हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, ग्रामीण विकास इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रामीण विकास में मैंने स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी इकाइयों में सबसे पहले आपको मैंने ग्राम पंचायत के बारे में बताया सब कुछ। पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, ग्राम सभा क्या होती, ग्राम पंचायत क्या होती, ग्राम पंचायत के प्राधिकार क्या होते, शक्तियाँ क्या होती, इनके अध्यक्ष कौन होते, सदस्य क्या होते, सब कुछ मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको क्षेत्र पंचायत पढ़ाया था। क्षेत्र पंचायत में सभी विषयों पर मैंने बताया था, लेकिन कुछ पॉइंट जैसे क्षेत्र पंचायत का बजट हो गया, जिला पंचायत से इसका संबंध हो गया, इन सभी के बारे में मैंने कल नहीं बताया था, चूंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था। आज उनको डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज तीसरा पायदान आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत का अध्यक्ष क्या होते, सदस्य क्या होते, प्राधिकार क्या होते, बजट कैसे आता, जिला निधि क्या होती, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत व्यापक हम परिचर्चा करने वाले हैं। आज ये लगभग 15वीं क्लास ग्रामीण विकास में है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेशन अब आगे मिलेंगे, तब मैं आपको शुरुआत करूंगा कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को, जो स्वतंत्रता काल से लेकर आज तक चलाई गई हैं, उन्हीं सभी में हम लोग व्यापक परिचर्चा करेंगे। वो अगले सेशन में होगा जब ग्रामीण विकास। तो जैसा कि मैं आप सभी से बोलता हूं कि भैया, जो क्लासेस चल रही, आज लगभग 15वीं क्लास है, 15 क्लास मैंने ग्रामीण विकास से संबंधित पढ़ा रखी है। हिंदी ऐसे मैंने 15-16 क्लासेज आपको पढ़ा रखी हैं। पॉलिटी से संबंधित 20 क्लासेज मैं ले चुका हूं लगभग। इन सभी को विधिवत देखो, सारे वीडियोज 10+ प्रोग्राम के अंतर्गत निःशुल्क चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेखपाल आएगी, लेखपाल के लिए तो विशेष आपका ग्रामीण विकास हो ही गया, जिसकी मैं MCQ भी क्लासेस करवा रहा हूँ। 11-12 MCQ की क्लास हो चुकी है। बाकी जितनी सब्जेक्ट चल रही है, अब आप GS की सब्जेक्ट उठाओगे तो उसमें PCS प्रीलिम्स तक का कवर हो रहा है। इसलिए ढंग से पढ़ो, जो चीजें एक बार पढ़ लोगे सही ढंग से, वो भविष्य में काम आएगी। और मेरा एक ही जो है पढ़ाने का भी नजरिया होता है, और आपको पढ़ने के लिए भी बताने का एक नजरिया है कि सफलता हमेशा पहले की मेहनत से मिलती है, तत्काल मेहनत से कोई सफलता नहीं पाता है। ये चीज एकदम कान में गांठ बांध के डाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेहनत से सफलता अर्जित करनी है तो मेहनत पहले करो। जब आप मेहनत करके 4-6 महीने अपना बेस बनाओगे, तब तो सफलता की ओर बढ़ोगे। अब आप सोचते हो कि नौकरी आई, एग्जाम डेट आ जाए, फॉर्म भरने के बाद जब 10 दिन बचे, तब गुरुजी ऐसे, जो कक्षा 10 वाली आदत है ना उत्तर प्रदेश में, जानते ही हो, उत्तर प्रदेश में मैंने ये हालात देखे हैं कि विद्या एक कक्षा 10 और 11-12 में एक आती है गाइड विद्या उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए, उसमें भी लड़के लेकर पहुंच जाते थे कि गुरुजी इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। तो भैया वो हालात मत करो कि गुरुजी जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता दो, बस इतना पढ़ लें, ठीक है, बस उसी में से कुकर में चढ़ा के बस पी जाएं। अरे ऐसा संभव थोड़ी है कि हम इतना बताएं बस उसी में से पूरा जो है पेपर वहीं से बन के आ जाएगा। पेपर थोड़ी आउट करवा रहे, समझो चीजों को। वो आदत छोड़ो, पढ़ने की आदत डालो। अपना बेस जब तक मजबूत नहीं करोगे, कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के जो है रख लीजिए दिमाग में, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए कि 4 पेज मिले और 4 पेज पढ़ लें, 25 क्वेश्चन हमारे हल हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। वो वही संभव हो सकता जो पेपर आउट करवा के आपको बता पाए, और वो चीजें हम लोगों में नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जितने वीडियो चल रहे हैं आपके, इन सभी का भैया अच्छे से फायदा लीजिए। और जो लोग अभी तक क्रैश कोर्स में, देखो वीडियोस तो हमने सब निःशुल्क कर रखे हैं, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो PDF पेड है, या आपको क्विज चाहिए डेली बेसिस पर तो वो पेड ही होगी, ठीक है। वो हम आपको फ्री नहीं दे सकते, क्योंकि PDF तैयार करने में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक। टाइपराइटर है, टाइपिस्ट है, कंटेंट राइटर है, वो आपके लिए तो सब कुछ फ्री नहीं हो सकता ना। इसलिए आपको उतना मूल्य हमारा समझना होगा। हम अपना समय दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, और क्या चाहिए। इसीलिए PDF सब्सक्रिप्शन से सारे लोग जुड़िए भैया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, और अच्छे से सारा आनंद लीजिए। नहीं तो हम भी क्रैश कोर्स शुरू करेंगे तो ये आपकी 499 में कोई क्रैश कोर्स, ये 3 महीने का है। और हम भी जब लॉन्च करेंगे, जैसे इंस्टीट्यूट लॉन्च किए हैं, मैंने देखा है 2500 रुपये में बैच होते हैं, 5000 रुपये में बैच होते हैं, तो वैसे हालात न लो। जब तक सारी चीज़ें फ्री हैं, अच्छे से पढ़ो यार। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने जैसा कि बताया आपको सारी चीज़ों के बारे में, कि कल मैंने क्षेत्र पंचायत में कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, तो क्षेत्र पंचायत के बजट को आज हम लोग देख लेंगे कि क्षेत्र पंचायत का बजट कैसे तैयार होता है,
क्षेत्र पंचायत के बजट के बाद में कुछ चीजें और हमें परिचर्चा करनी है, ठीक। उन सभी को देखते हुए जिला पंचायत से इसका रिलेशन क्या होता है इनको भी देखेंगे, फिर हम लास्ट में क्या बढ़ेंगे, आज जो मुख्य है जिस पर हमें बात करनी है, आज जिला पंचायत पर मैं आपको व्यापक परिचर्चा करूंगा कि जिला पंचायत का गठन क्या होता है, इसके प्राधिकार क्या है, शक्तियां क्या है, ठीक, कार्य क्या है, उन सभी के बारे में। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता, उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता, त्यागपत्र कैसे देते, पद से कैसे हटाते, इन सभी पर बहुत व्यापक परिचर्चा करनी है और यहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूं मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने, बहुत कंसंट्रेट होकर सारी बातों को सुनना, बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, और नहीं समझ में आता है तो आप जहां आपको समझ में आता है वो चीजें यूज कर सकते हो। क्षेत्र पंचायत पर सरकारी नियंत्रण की सीमा, कल मैंने यहीं पर इंड किया था इस लेक्चर को, आज इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। सरकारी नियंत्रण क्षेत्र पंचायत पर एक लिमिटेशन तक होती है, स्थानीय स्वशासन अगर अर्थ ही हमारा ना रह जाए, अगर हम हर एक चीजों को बहुत ज्यादा जंजीरों में जकड़ दे तो स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या, सेल्फ गवर्नेंस तब तो ढकोसला हो जाएगा। इसीलिए हर एक चीजों पर, हर एक कार्यों पर एक नियंत्रण होता है और वह नियंत्रण एक सीमा तक होता है, ऐसा नहीं है कि आपके हर एक कार्य में कोई दखलंदाजी कर दे, ठीक। ऐसे ही इसमें भी है, जैसे समझिए जिला अधिकारी या नियत प्राधिकारी, नियत का मतलब जो उसके लिए उत्तरदायी हो, जो उसके लिए बनाया गया हो कि आपको भैया जिला पंचायत क्षेत्र पंचायतों को देखना है, तो ऐसे अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर सकता है, मतलब क्षेत्र पंचायतें अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करा रही, इन सभी का निरीक्षण जिला अधिकारी करेगा, आपका डीएम, या मान लीजिए जो अधिकारी उसके लिए तय किया गया है वह करेगा, अधिकतर एसडीएम करते हैं। वह क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित किसी पुस्तक या लेख को जांच करने के लिए मंगा सकता है, जैसे विवरण तैयार करते हैं ना क्षेत्र पंचायतें कि इतना राशि हमारी इस चीज में गई, इतनी राशि हमारी इस चीज में गई, तो उन सारे बायोडाटा को वह मंगवा सकता है और जांच कर सकता है। दूसरी बात यहां समझिए, राज्य सरकार द्वारा तय किया गया अधिकारी क्षेत्र पंचायत के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को तथा उनसे संबंधित सारे रिकॉर्ड्स का नियंत्रण कर सकता है, सब कुछ क्या करेगा वह अपने नियंत्रण में रखेगा, वहीं से सारे आंकड़े, सारे डाटा, हर एक कार्यों का विवरण वो दर्ज करवाएगा और सारी फाइलें उसके नियंत्रणाधीन रहेंगी। अगली बात समझो, आपात के समय जिलाधिकारी ऐसे निर्माण या दूसरे कार्यों को करने का आदेश दे सकता जो साधारणतया क्षेत्र पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहां पर क्या होगा, जब आपात के समय ऐसे हालात होंगे तो वो सब कुछ जिला पंचायत के मतलब जिला अधिकारी के अंतर्गत पहुंच जाती है सारी चीजें। समझिए यहां पर भी स्थानीय स्वशासन एक ऐसा है ना, अब ये सब प्रेसिडेंट रूल और उन सब में आप चीजों को देखते थे कि राज्य अगर फेल होता है तो वहां प्रेसिडेंट सारी चीजों को करता है, यहां पर देखो यहां क्षेत्र पंचायतों में ऐसी कोई चीजें हो रही तो जिलाधिकारी डायरेक्ट सारी चीजें करता है, इसके निर्माण कार्यों के लिए वह नियम जारी करने लगता है, आदेश जारी करने लगता है। अगली चीज, यदि क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपने कार्यों को करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हों, किसी अनाचार के दोषी हैं, या क्षेत्र निधि को किसी प्रकार से हानि पहुंचाई है, या अपनी सदस्यता का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है, तो राज्य सरकार उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है, ऐसा भी प्रावधान है, ठीक। सभी की एक लिमिट होती है, यदि किसी भी समय राज्य सरकार पाती है कि क्षेत्र पंचायत अपने कार्यों में चूक करती है तो जांच के बाद दोष साबित होने पर वह क्षेत्र पंचायत का विघटन कर सकती है, भंग कर सकती है क्षेत्र पंचायत को, ठीक। अगला, अगर मान लीजिए विघटन हो गया, जैसे आपकी लोकसभा का विघटन हो जाता है, पूरा प्रोसीजर वही है, बहुत ढंग से समझना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, विघटन के 6 महीने के भीतर क्षेत्र पंचायत के लिए फिर से चुनाव कराए जाएंगे, तब तक के लिए सरकार क्षेत्र पंचायत के स्थान पर प्रशासनिक समिति गठित कर सकती है और प्रशासनिक समिति ही उस समय क्षेत्र पंचायत के सारे कार्यों को देखती है, लेकिन 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाएगा। आपसे सवाल पूछता है कि अगर क्षेत्र पंचायत का विघटन हो गया है तो कितने माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी है, वहां लिख देगा 12 माह, 6 माह, 3 माह, 4 माह। अब आपको उनमें से एक उत्तर चुनना होगा, तो याद रखना 6 माह के भीतर चुनाव होना जरूरी होता है विघटन की अवस्था में। आगे बात करते हैं क्षेत्र पंचायत का बजट जो होता है, ठीक। बजट कैसे बनता है, किन किन प्रारूपों के हिसाब से, जैसे आप केंद्रीय बजट को देखते हैं, ठीक है, कि आय के सारे स्रोतों का वर्णन किया जाता है, कहां से कितनी आय आई,
फिर उन्हीं सभी जितनी आय हमें होती हैं उन सारे आय को फिर हम क्या कर देते हैं, वे में दिखा देते हैं कि यहां से इतना पैसा आया तो हम अपने किन किन मद पर क्या क्या व्यय कर रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े आपके होते हैं, सरकारी बजट होता है जो केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का जो बजट होता है इसको समझो, इसका प्रस्ताव उसकी समितियों द्वारा आपस में विचार विमर्श करके तैयार किया जाएगा, ठीक, जैसा वहां तैयार होता है वैसे यहां भी तैयार किया जाएगा। इस बजट को क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा 5 दिनों के अंदर जिला पंचायत को भेजा जाएगा। कितने दिन के भीतर? 5 दिन के भीतर भेजा जाता है, ठीक है। किसको? जिला पंचायत को भेजते हैं। अब यहीं से समझिए, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को भेज रही, ठीक है, मतलब अपने ऊपर वो पहुंचा रही। यह बजट जिला पंचायत नियोजन समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखती है। नियोजन समिति यहां पर होती है जिला स्तर पर, उस वो इस बजट पर समीक्षा करती है, ठीक। उसके समीक्षा हेतु, जैसे बजट को राष्ट्रपति समीक्षा हेतु संसद के सदनों के समक्ष रखवाता है, ऐसे यहां पर कार्य होता है। अगली चीज समझिए, नियोजन समिति अपने निर्णय व सिफारिशों सहित निश्चित तिथि से पूर्व ही क्षेत्र पंचायत को वापस कर देगी बजट को, ठीक है। अंत में क्षेत्र पंचायत प्राप्त बजट प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर पारित करती है, समझ गए। तो पहले ये क्या करेगी, क्षेत्र पंचायत अपनी समितियों के माध्यम से बजट तैयार करेगी, उस बजट को जिला पंचायत को भेजेगी, जिला पंचायत नियोजन समिति को भेजेगी, नियोजन समिति सारे आंकड़ों को देख करके जो सुधार है उन सभी को करके वापस क्या करता है, वापस वो जिला पंचायत को देगा, और मतलब क्षेत्र पंचायत को वापस करेगा, और एक निर्धारित सीमा होती है कि इतनी सीमा के भीतर आपको करना है, और फिर अंत में क्षेत्र पंचायत उस बजट पर डिस्कस करती है अपने समितियों के बीच में, सदस्यों के बीच में, फिर वह बजट पारित हो जाता है। तो यह प्रोसीजर क्षेत्र पंचायत के बजट का होता है। आगे समझते हैं क्षेत्र पंचायत की आय के स्रोत। अगर बजट आ रहा तो आय कहां से आ रही, जाहिर सी बात है जितनी आय होती है वो व्यय में दिखाई जाती है, वो व्यय में हम लोग देते हैं। तो क्षेत्र पंचायत की आय के लिए क्या क्या साधन है, क्या यहां पर मौजूद साधन का प्रयोग करती, सरकार के द्वारा अनुदान होता, केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुदान होता है, इन सभी को समझना है। देखो भैया, क्षेत्र पंचायत की आय स्रोत शासन द्वारा प्राप्त होने वाली अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशियां हैं। शासन मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो प्राप्त होने वाली धनराशियां, उनमें अनुदान एवं ऋण के रूप में मिलती है। क्षेत्र पंचायत अपने निजी संसाधनों से भी आय अर्जित कर सकती है, ऐसा नहीं है कि एकदम रोक है, कर सकती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर जैसे इमारतों से आय, बाजार एवं मेले का आयोजन, प्रदर्शनियां, बाग बगीचे, शौचालय एवं अन्य सुविधाएं आती हैं, ठीक है। इन सभी सुविधाओं से भी क्षेत्र पंचायत अपनी आय कर सकती है। बाकी तो अनुदान और ऋण सब कुछ राज्य सरकार शासन उपलब्ध ही करवाता है। अगर किसी अलाभ कर भूमि को क्षेत्र पंचायत ने लाभ कर बनाया है तो वो उस पर कर लगाकर उससे आय अर्जित कर सकती है, ठीक है, ऐसा उसको प्राधिकार दिया गया है। अगली चीज समझो, क्षेत्र पंचायत अपने निजी प्रयासों से लाभकारी योजनाएं बनाकर जनहित में उन्हें लागू करके भी लाभ कमा सकती है। मतलब इसको यह भी प्राधिकार मिला है कि यह अपने निजी प्रयास से लाभकारी योजना बनाकर समाज के लिए कोई ऐसी योजना बनाए जिसका लाभ सभी को हो, वहां से भी ये क्या कर सकती है, टैक्स कलेक्शन कर सकती है, आय का अपना एक जरिया बना सकती है। अगली चीज समझिए, क्षेत्र पंचायत द्वारा क्षेत्र की विकास योजना कैसे बनाती है, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्षेत्र पंचायत के द्वारा जब क्षेत्र के विकास को लेकर योजनाएं बनानी है, वहां पर क्षेत्र पंचायत विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को मिलाकर विकास खंड के लिए प्रत्येक साल एक विकास योजना तैयार करती है। हर एक साल एक विकास योजना तैयार की जाती है आपके ब्लॉक पर बैठ के, ठीक है, कि किस ग्राम पंचायत में विकास के लिए क्या करना है। दूसरी बात समझिए, क्षेत्र पंचायत की जो नियोजन एवं विकास समिति है, ये खंड विकास अधिकारी यानी BDO तथा दूसरी समितियों की मदद से यह योजना तैयार करती और उसे क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत कर देती है। क्षेत्र पंचायत इस योजना पर विचार करती है और उसमें बदलाव या बिना बदलाव के पास भी कर सकती है। खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा पास की गई योजना को जिला पंचायत को नियत तारीख से पहले प्रस्तुत कर देता है। BDO जिला पंचायत को यह योजना उठाकर भेज देगा कि जो है फला विकास खंड में आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए यह विकास को लेकर अगले जो है साल
2020-21 या 21-22 के लिए इतनी योजनाओं का प्रावधान किया गया जिसमें उक्त राशि का ठीक उक्त मद का जो है खर्च होना प्रस्तावित है। तो वो पूरा विवरण क्या करता है, जिला पंचायत को भेज देगा आपका, और जिला पंचायत शासन पर आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बैठता है, एसडीएम भी होते, वो सारे लोग इन सारी चीजों को देखकर फिर वहां से सब कुछ पास होता है। समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास भवन भी होता है, जैसे विकास भवन आपका यहां है ठीक, ऐसे विकास भवन आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनता है जहां पर ये सारे कार्य होते हैं। अगली चीज यहां समझो, क्षेत्र पंचायत का ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के साथ संबंध क्या है, इसको समझिए ढंग से। देखो भैया, ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जो प्रगति रिपोर्ट होती है वह क्षेत्र पंचायत को सौंपी जाती है। मतलब ग्राम पंचायत में प्रधान जी ने उनके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने कार्य हैं ठीक, जितने क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से कार्य कराए, उन सभी का ब्यौरा किसको सौंपते हैं, जो है ब्लॉक पर वो डाटा जमा करवाते हैं, क्षेत्र पंचायत को देते हैं, प्रगति रिपोर्ट सौंपते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में ये कार्य हुए, हमने शौचालय से संबंधित इतनी योजनाएं, हमने ये करवाया, हमने मनरेगा के अंतर्गत इतना कार्य करवाया, ये सब करवाया, ये सब देते हैं प्रधान जी। अब क्या होता है, एक से अधिक ग्राम पंचायतों में यदि कोई कार्य होना है तो वह क्षेत्र पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। एक साथ अगर एक से कई ग्राम पंचायतों में कोई कार्य करना है तो वह क्षेत्र पंचायत करेगी। दूसरी बात, अगली चीज, ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के लिए जो विकास योजनाएं बनाएंगी उससे संबंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य के पास भेजती हैं, ठीक है। क्षेत्र पंचायत सभी ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं के आधार पर एक योजना बनाकर जिला पंचायत को भेज देती है, ठीक है, जिला पंचायत को भेजेगी वार्षिक योजनाओं के आधार पर। अगली बात, क्षेत्र पंचायत जो सदस्य होगा वह ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते, किंतु समझिए इस चीज को, क्षेत्र पंचायत को जो सदस्य हैं वह ग्राम पंचायतों की मासिक बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन खास मौकों पर ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। अब ये चीजें आपने कहीं पढ़ा भी है कि लोकसभा में किसे मत देने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा में किसे मत देने का अधिकार नहीं है, मंत्री है तो वो बोलने का अधिकार रखता, मत देने का अधिकार नहीं रखता, ठीक। तो ये चीजें समझ गए ना, यहां पर भी उसे क्षेत्र पंचायत का अगर कोई सदस्य है ग्राम पंचायतों की बैठक में भाग नहीं लेता, कुछ खास मौकों पर लेता, बैठक में भाग लेगा लेकिन मत देने का उसे अधिकार नहीं प्राप्त होता है। समझ गए, वही संरचना है जैसा ऊपर दिखता है आपको, वही चीजें गांव स्तर पर भी की गई। अब ये सब आपको पूरा स्पष्ट रूप से दिखता नहीं खाका, क्योंकि अपने यहां अधिकतर चीजें क्या है, अधिकतर चीजें तो ब्लॉक स्तर पर ही सीमित हो जाती, बाहर कुछ निकलता ही नहीं। अगली चीज समझिए, जिले के अंतर्गत सभी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख जिला पंचायत में नामित सदस्य के रूप में होते हैं। कौन, जिले के अंतर्गत सभी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, एक जिले में जितनी क्षेत्र पंचायतें आती, जितने ब्लॉक आते हैं, उन सभी ब्लॉक के जो प्रमुख होते हैं जिला पंचायतों में नामित सदस्य के रूप में होते हैं। तो ये याद रखना, जितने प्रमुख हैं आपके वो जिला पंचायत के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नामित सदस्य यानी नॉमिनेटेड आपके मेंबर होते हैं। अगली चीज समझिए, जिला पंचायत को लेकर अब हम आ चुके जिला पंचायत पर, क्षेत्र पंचायत आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका, हमने रिलेशन भी पढ़ लिया। अब जिला पंचायत को पढ़िए अच्छे से कि भाई ये जो पंचायत होती है जिला स्तर पर, इसमें क्या चीजें चलती हैं। अब आप जानते ही जानते हो कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा, यह भी चीजें हैं। जिला पंचायत पूरे जिले से आई प्राथमिकताओं व लोगों की जरूरतों का समेकन कर एक जिला योजना तैयार करती है कि इस जिले में इस विकास से लेकर के ये चीजें होंगी, जो क्षेत्र विकास के हिसाब से उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर होती है। इस प्रकार जिला योजना में स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, किसमें, जो योजना यहां पर स्वीकृत हो गई उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसको लागू करते हैं जिला पंचायत में। अब आप समझिए इसका गठन कैसे होता है, जिला पंचायत में सदस्य कौन होते हैं, चुनाव वगैरह कैसे होता है, समझिए इस चीज को। जिला पंचायत का गठन आखिर कैसे होता है, जिला पंचायत का जो गठन होता है भैया, यह जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। एक चीज तो यह याद रखना, पहले कौन आता,
निर्वाचित सदस्य होते, दूसरी बात जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख मतलब जितने ब्लॉक आपके प्रमुख होते हैं वो भी इसी में शामिल होते, तीसरी बात लोकसभा जो आपकी लोकसभा है ठीक एमपी उनके, राज्यसभा के वह सदस्य जिनके निर्वाचन जिला में विकास खंड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है वो लोग भी इसी में आते हैं। ये सदस्य को पूछता है हमेशा याद रखना, जो एमपी होंगे आपके चाहे राज्यसभा के हैं चाहे आपके लोकसभा के हैं वो भी इसमें मेंबर के तौर पर होते हैं। ठीक है, अगली चीज राज्य जो है विधानसभा और विधान परिषद, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी जो विकास खंड के भीतर मतदाता के रूप में है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो समझ गए, सबसे पहले जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं वो, फिर हर एक क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख सभी, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो इनके सदस्य होते, उसके बाद आपके जो विधायक हैं चाहे आपके विधानसभा के हैं चाहे आपके विधान परिषद के हैं जो उस क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत हैं मतदाता के तौर पर वो भी इसके सदस्य होते। तो इतने सभी लोगों को मिलाकर क्या होती है जिला पंचायत का गठन होता है। आगे बढ़ते हैं, जिला पंचायत का जो सदस्य होते हैं इनका जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है इनका चुनाव कैसे होता और जिला पंचायत में चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होता है, इन चीजों को समझिए। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, तो वो निर्वाचित सदस्य में अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन सभी का निर्वाचन कैसे होता है, समझिए इस बात को। जिला पंचायत में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ तो जिला पंचायती सदस्य लड़ गए भैया, ठीक है आपकी भैया देखना इस बार, ठीक है अपने यहां तो इलेक्शन 24 घंटा चलते रहते हैं, मतलब एक इलेक्शन खत्म हुआ तभी दूसरे इलेक्शन के लिए पांव पकड़ना शुरू हो जाता है, ठीक, और जो इलेक्शन जीत गया वो 5 साल बाद मिलने आता है अगले चुनाव में, देखिएगा इस बार उस बार तो आपने वोट दिया था तो 5 साल कट गए, अब 5 साल के बाद फिर से लौटा हूं, आप लोग समझदार हैं ये समझिए भैया। जिला पंचायत के चुनाव के लिए जिला पंचायत को छोटे छोटे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा जिसकी आबादी, इसको बहुत ढंग से समझना, कैसे जिला पंचायत में आबादी को लेकर कैसे डिवाइड करते, जिसकी आबादी 50,000 होगी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड करते, 50,000 के निर्वाचन क्षेत्र यहां बनाए जाते हैं। फिर जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता, कौन से लोग चुनते, ग्राम सभा के सदस्य चुनते। जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जरूरी है कि प्रत्याशी की उम्र कितनी हो, 21 साल हो, ठीक है, यह भी जरूरी है कि चुनाव में खड़े होने वाले सदस्य का नाम उस निर्वाचन जिला की मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए, कंपलसरी है, समझ गए, एक तो 21 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए, दूसरी बात उस जिले की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, ये कंपलसरी है, दो चीजें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, इसको समझ लो भैया, जो जिला पंचायत में चुनाव हुआ है तो जितने सदस्य चुने गए, जैसे अपने यहां प्रधानमंत्री का हम चुनाव नहीं करते, लोकसभा में जो मेजॉरिटी है उस जिस पार्टी की, उस पार्टी के मेजॉरिटी के मेंबर आपस में डिस्कस करके अपना एक नेता बना देते हैं, वही प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पर भी जिला पंचायत में जो चुने गए सदस्य हैं अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वही प्रक्रिया यहां पर भी है। जिला पंचायत में कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का चुनाव किसी कारण से नहीं भी हो पाता तो उस दौरान क्या होगा, तो भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव नहीं रुकेगा, ठीक, ऐसा नहीं सदस्य का चुनाव नहीं हो पा रहा तो अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव रोक दो, ऐसा नहीं होगा। और चुने गए जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य है, किसी नगर निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, चेयरमैन है, नगर पालिका का आपका मान लीजिए चेयरमैन हो गया, या किसी नगर पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, तो वह जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि ये सभी लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे, ठीक, ये सभी लाभ के पद माने जाएंगे। तो आप अगर कहीं पर भी ब्लॉक प्रमुख हैं या जो है उप प्रमुख हैं या मान लीजिए चेयरमैन है नगर पालिका में, ठीक, तो ऐसे कोई भी आप लाभ के पद पर बैठे हो तो आप कभी भी जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अपने यहां हर एक जगह पर यही प्रावधान किया गया कि लाभ का पद उसे धारित नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत में आरक्षण, मैंने क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में जैसा पढ़ाया था आरक्षण उसी तरीके से हर जगह चलता। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें आरक्षण के प्रावधान प्रबल रूप से सभी को देखते हुए जैसा कि हर एक स्तर पर लागू होता है उसी अनुरूप सभी में चलता है। समझिए यहां पर जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर आरक्षण लागू होता है, पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। दूसरी बात, अनुसूचित जाति है एवं पिछड़ी जाति है, ठीक है, ओबीसी है, इन जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जात के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में से अधिक 21%, अनुसूचित जात के लिए 21% आरक्षण, वही प्रक्रिया जो मैंने इससे पहले बताई होता है। साथ ही साथ इसी प्रकार जो ओबीसी है, पिछड़ी आपकी जातियां हैं, इनके लिए आरक्षण मैक्सिमम कितना जाएगा 27%, तो 21% उनके लिए, 27% इनके लिए होता है, बाकी के पदों पर कोई आरक्षण नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग यानी अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं उनमें से एक तिहाई पद उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। मतलब हर एक 21% अगर उनके लिए फिक्स है, 27% ओबीसी के लिए है, बाकी जो आपकी अनारक्षित सीटें हैं, ठीक, ये सभी सीटें क्या होती हैं, इन सभी में उस वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब जो अनारक्षित सीटें हैं, अनारक्षित सीटों पर महिलाएं लड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ सकती, अनारक्षित सीटों पर कोई लड़ सकता है चुनाव, वो कोई रिजर्वेशन नहीं, वो सभी के लिए ओपन होता है, समझ गए, इसीलिए उसको अनरिजर्व बोलते हैं, मतलब उसमें जो चाहे वो फाइट कर सकता है, वो ऐसा नहीं है कि जनरल वालों के लिए है, ठीक है, जो जनरल वाले हैं वो उसमें कोई भी फाइट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसमें 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित जरूर होंगी, ठीक, उनमें कितनी 50 सीटें, ये फिक्स है, जितनी सीटें हैं उसमें 50 सीटें होंगी ही होंगी, लेकिन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गई तो भी वह अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। अगली बात को समझिए, आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से होगा, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र अगर एक चुनाव में अनुसूचित जाति की स्त्री के लिए आरक्षित है तो अगली बार में 5 साल के बाद अगली चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा, इस तरीके से इसमें हर एक 5 साल पर, कहते नहीं अब की प्रधानी भैया जनरल रही, अब की प्रधानी जो है ओबीसी हो गई, अब की एससी हो गई, इस हिसाब से बदलता रहता है, तो यह जिला पंचायतों में भी क्रम चलता है। अब हम पढ़ते हैं जिला पंचायत और उसके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में कि जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता, तो जाहिर सी बात है भाई निश्चित कार्यकाल फिक्स होता ग्राम पंचायत का भी क्षेत्र पंचायत का भी, तो जिला पंचायत का भी फिक्स होगा, ठीक। ये निश्चित कार्यकाल संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार जिला पंचायत का कार्यकाल जिला पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक, पहली बैठक जिस दिन, ये नहीं जिस दिन चुनाव हुआ रिजल्ट घोषित हुआ, याद रखना बहुत सारी गलतियां इसी में होती हैं, ठीक, जिस दिन पहली बैठक हुई उस दिन से डेट ली जाती है और अगले 5 वर्ष जब तक पूरे होंगे। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल यदि किसी कारण से पहले समाप्त नहीं किया जाता तो उनका कार्यकाल भी अर्थात 5 वर्ष तक होगा, मतलब उससे पहले समाप्त हो सकता है। जिला पंचायत के कार्यकाल यदि किसी खास वजह से जिला पंचायत को उसके नियत कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना जरूरी है, कंपलसरी है, 6 महीने के भीतर चुनाव होगा। और इस तरह से जो गठित जिला पंचायत होगी वह ऐसा नहीं है कि 5 साल फिर करेगी, जितना बाकी बचा समय है उसी के लिए कार्य करेगी। यही चीज मैंने क्षेत्र पंचायत में भी आपको पढ़ाई थी, ठीक है, कि अगर नया चुनाव होकर आता है तो क्या वह जो नई आपकी पूरा गठन हुआ जिला पंचायत सदस्यों का, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा? नहीं भैया, जितना टाइम पीरियड बचा है उतने के लिए ये कार्य करेंगे, याद रखना, फिर वो जैसे पूरा होगा तो फिर से चुनाव होगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का हटाया जाना कैसे होता है, मान लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाना या जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को हटाना है तो यह कैसे होगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य न करने अथवा संविधान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण न करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करते तो राज्य सरकार नियत प्रक्रिया व नियमों के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटा सकती है, समझ गए।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष त्याग पत्र भी देते हैं। अब कौन किसको संबोधित करके ठीक है देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य खुद से हस्ताक्षर किए हुए पत्र द्वारा त्याग पत्र देता है। ठीक, अध्यक्ष की दशा में अगर अध्यक्ष ने जो है त्याग पत्र दिया तो किसको संबोधित करेगा, राज्य सरकार को। और अन्य दशा में मान लीजिए उपाध्यक्ष कर रहा अन्य कोई सदस्य कर रहा तो वह किसको संबोधित करेगा, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र देगा। लेकिन अगर जिला पंचायत अध्यक्ष ही त्याग पत्र दे रहा तो वह राज्य सरकार को संबोधित करके त्याग पत्र देता है। अध्यक्ष का त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग पत्र की अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत जिला पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। ठीक है, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब जिला पंचायत के कार्यालय में उनकी नोटिस प्राप्त हो जाए और वह समझा जाएगा कि ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया। तो यह प्रोसीजर होता है। अब समझिए जिला पंचायत की बैठक कैसे क्या होती है, वही चीजें होती है। जिला पंचायत के कार्यों के संचालन हेतु संविधान में जिला पंचायत की बैठक का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत हर दो महीने में, कितने क्षेत्र पंचायत में भी यही था, हर दो महीने में कम से कम एक बैठक जरूरी, मतलब साल में 6 बैठक चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। जिला पंचायत की बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है, अध्यक्ष को है। ठीक, यह भी याद रखना, अध्यक्ष की गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष बुलाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिला पंचायत की अन्य बैठकें भी बुलाई जा सकती, ये जिला पंचायत के 1/5 सदस्य लिखित रूप से मांग करें, यानी ये जो मांग पत्र है अगर प्राप्ति पत्र सहित क्या किया जाए रजिस्टर डाक द्वारा भी भेजा गया तो आवेदन प्राप्त के 1 महीने के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत बैठक जरूर बुलाएगा, ऐसा भी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कोई बैठक आगे की तिथि के लिए स्थगित की जा सकती, जैसे आपकी लोकसभा स्थगित हो जाती, राज्यसभा स्थगित कर दी जाती, ऐसे ये भी होता। इस प्रकार स्थगित बैठक आगे भी स्थगित की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि अगली जो है तिथि तक अगर स्थगित हुई तो फिर आगे नहीं बढ़ सकती, बढ़ सकती है भैया। ठीक, सभी बैठक जिला पंचायत कार्यालय में ही होंगी, अगर बैठक किसी अन्य स्थान पर होना निश्चित की गई तो इसकी सूचना सभी को पूर्व में दी जाएगी। बैठक में जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी CDO जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिला स्तर पर CDO ही तो होता है, ये जो होगा से प्रशासन से संबंधित कोई विवरण, अनुमान, आंकड़े, सूचना, कोई प्रतिवेदन, अन्य ब्यौरा या कोई पत्र की प्रतिनिधि मांग सकते हैं, प्रतिलिपि मांग सकते हैं। अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी बिना देर किए गए मांगी गई जानकारी सदस्यों को जरूर देते हैं। अब जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य समझ लो, क्या कार्य है, करते क्या है। ठीक है, समझिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो प्रमुख कार्य, जिला पंचायत तथा समितियों की जिसका वह सभापति है उनकी बैठक बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना, यह प्रमुख कार्य है। अब कर्तव्य क्या है कि वह बैठकों में व्यवस्था बनाए रखे तथा बैठकों में लिए गए निर्णय की जानकारी रखे कि भैया कौन सा निर्णय लिया गया। वित्तीय प्रशासन पर नजर रखना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। योजनाओं के अनुरूप वित्तीय प्रबंधन की निगरानी भी करना होता है। अध्यक्ष को ऐसे भी कार्य करने होते हैं जो सरकार द्वारा समय समय पर उन्हें दिए जाते हैं। राज्य सरकार समय समय पर देती है कि इस जिला में ये कार्य होना चाहिए, हर एक जिलों में ऐसे ऐसे कार्य होने चाहिए। अगली चीज है उपाध्यक्ष भैया क्या करते हैं। ठीक, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थित में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसे समय में वह अध्यक्ष के अधिकारियों का उपयोग करता ही करता है। ठीक है, हर जगह यही चीज होता है। आगे समझिए जिला योजना बनाने में जिला पंचायत का हस्तक्षेप कैसे होता है। ठीक, अगर जिला योजना बन रही है, जिला पंचायत के विकास को लेकर योजनाएं बन रही, तो इसमें इसका हस्तक्षेप क्या होता है। जिला पंचायत भैया सभी क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं में समेकित करके जिले के लिए प्रत्येक साल एक विकास योजना प्रस्तुत करती है। हर एक साल एक प्लान तैयार किया जाता है ईयरली बेसिस पर कि फला फला ग्राम पंचायतों में फला फला चीजें होनी है, फला फला क्षेत्र पंचायतों में ये कार्य होना है। जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति जो होती है, मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है, CDO यानी, तथा दूसरी समितियों की मदद से यह योजना तैयार करती है और उसे जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देती है। जिला पंचायत इस योजना पर विचार कर उसमें बदलाव या बिना बदलाव के पास कर सकती है। ठीक, यह उसको अधिकार होता है। जिला पंचायत के निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकार, जो चीजें मैंने उस समय बताई थी आपके क्षेत्र पंचायत में, वही यहां पर भी इसको प्राधिकार होते हैं। कोई भी सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस है, या जिला पंचायत की संपत्ति से लगी हुई किसी इमारत में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य तब तक नहीं कर सकते जब तक जिला पंचायत इसके लिए इजाजत न दे दे आपको। ठीक है, यदि आपने उल्लंघन कर दिया तो जिला पंचायत उससे बदलाव करने या उसे गिराने का आदेश दे सकती है सीधा।
अपने इलाके में सार्वजनिक नालियों का निर्माण कर सकती है जिला पंचायत। जिला पंचायत द्वारा बनाई गई नालियां किसी सड़क या स्थान के बीच या उनके आर पार या उनके नीचे से ले जा सकती है। इसके किसी इमारत या भूमि में या उसके नीचे से ले जाने के लिए उसके मालिक को पूर्व सूचना देकर निर्माण कर सकती। ठीक, सूचना दे दे कि आपके घर के नीचे से हम नाली ले जा रहे हैं, तो आप मना नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा कर सकती, उसको अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर लिखित मामलों के संबंध में निजी लाभ के लिए किसी प्रकार का निर्माण करना चाहता तो उसके लिए उसे जिला पंचायत को आवेदन देना होता। यदि जिला पंचायत 60 दिनों के भीतर, याद रखना 60 दिनों के भीतर इसके बारे में कोई सूचना नहीं देती तो आप मान लो कि भैया हमारा प्रस्ताव मान लिया गया। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जिला पंचायत क्या करती है, लिखित बैठक जो है आपको लिखित अनुमति देती है, तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिला पंचायत पर सरकारी नियंत्रण कितना होता है इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, समझिए भैया, जिला पंचायत पर एक सीमा तक सरकार का नियंत्रण भी रहता है। जिला अधिकारी या नियत प्राधिकारी जिला पंचायत या उसकी समितियों के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर सकता है तथा जिला पंचायत के किसी भी लिखित पुस्तक या अभिलेख की जांच के लिए मंगवा सकता है। ठीक, अगली चीज समझिए, राज्य सरकार द्वारा तय किया गया अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को तथा उससे संबंधित सारे दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता। राज्य सरकार को जिला पंचायत के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का भी अधिकार है। यदि कोई जिला पंचायत सदस्य अपने कार्यों को करने में शारीरिक रूप से असमर्थ पाया गया, ठीक है, या किसी अनाचार का वो दोषी पाया गया, या फिर उसने जिला निधि को किसी प्रकार से हानि पहुंचाई अथवा उसने अपनी सदस्यता का अपने फायदे के लिए उपयोग किया, तो राज्य सरकार उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती। यदि किसी भी समय राज्य सरकार को इस बात की जानकारी होती है कि जिला पंचायत अपने कार्यों में लापरवाही व अनियमितता बरत रही है तो जांच के बाद दोष साबित होने पर राज्य सरकार जिला पंचायत का विघटन कर देगी, भंग कर देगी, और विघटन के 6 महीने के भीतर जिला पंचायत के गठन के लिए फिर से चुनाव कराए जाएंगे। तब तक कौन देखता कार्य, तब तक सरकार जिला पंचायत के स्थान पर प्रशासनिक समिति का जो है गठन कर देती है और प्रशासनिक समिति सारे कार्यों को देखती है। जिला पंचायत का बजट क्या होता है इसको समझ लो। ठीक, जिला पंचायत हर वर्ष जिले का वार्षिक बजट तैयार करती है, जैसे अपनी राज्य सरकारें तैयार करती, जैसे अपनी केंद्र सरकारें तैयार करती, वैसे जिला पंचायत भी करती है बजट को तैयार। जिला पंचायत इस बजट को वित्त समिति के परामर्श से तैयार करेगी। इस तैयार बजट को पूर्व निर्धारित तिथि को जिला पंचायत की बैठक में अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित बजट को जिला पंचायत अगर चाहे तो संशोधन हेतु वापस भी कर सकती। अगर बजट वापस नहीं होता तो जिला पंचायत इसे पारित कर देती है। यदि बजट संशोधन हेतु लौटाया जाता है तो कार्य समिति नए सिरे से इस बजट को बनाएगी, जिसे अध्यक्ष द्वारा पुनः बैठक में प्रस्तुत कर पारित किया जाएगा। समझ गए, ये चीजें होती। अपने यहां क्या है, ठीक, अपने यहां बजट मान लीजिए पारित नहीं होता है लोकसभा से, तो पूछता है कि उस दशा में क्या होगा। अगर लोकसभा से बजट पारित नहीं हुआ तो क्या होगा, अब आप लोग सोच के कमेंट करिएगा कि लोकसभा से अगर बजट पारित नहीं होता है तो फिर सरकार को क्या करना पड़ता है। वैसे अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मान लो ऐसी हो जाए दशाएं तो क्या होगा। जिला पंचायत, जिला जो आपकी निधि होती है इसका संचालन कैसे होता है, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो राज्य सरकार की राज्य निधि होती है, केंद्र सरकार की निधि होती है, ठीक है, तो ऐसे जिला निधि भी होती है। इसको समझिए, इसमें क्या चीजें आती हैं। जिला पंचायत को राज्य और केंद्र सरकार तथा दूसरे स्रोतों से प्राप्त धनराशि जिला निधि में जमा होती है। जिला पंचायत नगद या वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान ले सकती जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कार्य के लिए जिला पंचायत को दे। जिला निधि के खाते का संचालन अध्यक्ष तथा मुख्य विकास अधिकारी CDO जो आपका होता है, इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। और मैंने बताया था क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख और आपका BDO, इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से धनराशि निर्गत होती है। यहां पर मुख्य विकास अधिकारी और आपका जो अध्यक्ष होता है उन दोनों के जो है सिग्नेचर से वह राशि निर्गत की जाती है जिला निधि की। वर्तमान में पंचायतों को प्रेषित की जाने वाली धनराशि का 20% हिस्सा जिला पंचायत को भेजा जाता है, ठीक है। जितनी पंचायतों को प्रेषित की जाने वाली राशि है जो डायरेक्ट आपकी भेज रही है गवर्नमेंट, उसमें से 20% जिला पंचायत को भेज दिया जाता है। अब जिला पंचायत के सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी कौन कौन है इनको जान लो, ठीक है। सलाहकार के रूप में कौन कौन से अधिकारी कार्य करते हैं इनको समझिए, ठीक। आज ही सारे अधिकारियों को देख लो, भूलना मत कि जिले के स्तर पर कितने अधिकारी आपके होते हैं, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा, मतलब ध्यान नहीं दिया होगा। मुख्य विकास अधिकारी होता है आपका एक,
जिला पूर्ति अधिकारी होता है, उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी एक बनाया जाता है, मार्केटिंग एक तरीके से बोल सकते हैं इंस्पेक्टर, जिला वन अधिकारी होता है, अधिशासी अभियंता होते हैं, एक लोक निर्माण विभाग का होता है पीडब्ल्यूडी का, ठीक, एक अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग का होता है, एक सामान्य प्रबंधक, दो अधिशासी अभियंता होते हैं, एक पीडब्ल्यूडी में होता है, एक आपका विद्युत विभाग में होता है, ठीक है। सामान्य प्रबंधक होते हैं, ये जिला उद्योग केंद्र इनके नियंत्रण में होता है, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी अधिकारी भी एक होता है, ठीक है, ये जिले स्तर पर इतने अधिकारी होते हैं। अब हम विभाग क्या होते हैं जिले स्तर पर, कोई कार्य पड़ा है, कभी गए हो विकास भवन चले जाओ भैया, विकास भवन से ये काम होगा, ठीक है, कलेक्ट्रेट चले जाओ वहां से कार्य होगा, ठीक, एसडीएम साहब के यहां चले जाओ, ठीक, फला नंबर जो है सीजीएम साहब के यहां से हम ये काम होगा, तो ये सारी चीजें जो चलती हैं आपकी, ठीक, इन सभी में हर अगर देखा जाए जिला पंचायत से संबंधित मुख्य विभाग कौन कौन से है, जिला पंचायत में कौन कौन से विभाग आते हैं, जिन कार्यों को पंचायतों से संदर्भित किया गया है उन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जिला पंचायत के साथ में कार्य करेंगे, ऐसे अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है, कौन कौन, पहला तो आपका हो गया यही मुख्य विकास अधिकारी, दूसरा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यह भी इसी के अंतर्गत होता है, तीसरा बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बीएससी होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं, चौथी चीज अधिशासी अभियंता जल निगम का, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, पांचवी चीज, पांचवा जो क्रम है यह अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का होता है, इतने आपके अधिकारी लोग लगे होते हैं, छठा जो अधिकारी होता है जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया जाता है, ठीक है, अगला जो सातवा है यह अधिशासी अभियंता नलकूप का अलग होता है, ठीक है, और आठवां जो होता है यह अधिशासी या सहायक अभियंता लघु सिंचाई को लेकर होता है, जिला युवा कल्याण अधिकारी बनता है, ठीक है, युवा विकास कल्याण अधिकारी जिसकी पोस्ट भी आप जानते हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है, ये भी आई थी, ठीक है, 9 के बाद 10 ये दोनों पोस्ट एक साथ आई थी जिसका अभी तक कोई हुआ नहीं है कुछ भी। अगला एक जिला पशुधन अधिकारी होता है 11 नंबर पर, यह सब आपके जो है पीसीएस की पोस्ट हो गई, सहायक पंजीयक सहकारिता भी विभाग इसी में होता है, ठीक है। अगली चीज समझिए, जिला उद्यान अधिकारी होता है, इसकी भी पोस्ट आई थी मार्केटिंग के साथ यूपी ट्रिपल एस सी से, याद होगा आपको, ठीक है। फिर जिला गन्ना विकास अधिकारी होता है और जिला पंचायत राज अधिकारी होता है, कार्यक्रम अधिकारी बनता है बाल विकास परियोजनाओं को लेकर के, जिला किसी कृषि अधिकारी होता है, एक जिला भूमि संरक्षण अधिकारी होता है, सहायक निदेशक होता है मत्स्य विभाग का, जिला दुग्ध विकास अधिकारी होता, इतने विभाग आपके जिला स्तर पर है, इतने अधिकारी आपके जिला स्तर पर कार्य करते हैं, आप इनमें से बहुत कम को जानते होंगे लेकिन इतने अधिकारी आपके जिला स्तर पर होते हैं, ठीक है, ये सब प्रशासन के अंग होते हैं, समझे। अब ये सब आपने देखा जिला पंचायत के अंग के तौर पर कार्य करते हैं, तो समझ जाइए कितनी ज्यादा पोस्टें होती। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के बीच में संबंध क्या है इसको समझ लो, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के बीच में उचित तालमेल व सामंजस्य के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए, जिसके अंतर्गत जिले में आने वाली समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रमुख अपने जिले की जिले पंचायत के भी सदस्य होते हैं, ठीक है, ये इसीलिए किया गया। योजनाओं व कार्यक्रमों के नियोजन हेतु भी तीनों स्तर की पंचायतों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने के नियम बनाए गए। इन नियमों के अनुसार क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं के आधार पर अपनी क्षेत्र पंचायत के लिए विकास योजनाएं बनाएंगी, उसमें शामिल तो करना होगा भाई। इस तैयार योजना को क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र की जिला पंचायत को भेजेगी, इसी प्रकार जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत की विकास योजनाओं के आधार पर अपने जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए एक समग्र विकास योजना बनाएगी। जिले के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजना तभी सही तरीके से बन पाएगी जब जिले की क्षेत्र पंचायतें सही समय पर योजनाएं बनाकर जिला पंचायत को भेजेंगी। तो ये रिलेशन होता है आपस में तीनों के बीच में, एक बेहतर समन्वय के लिए, बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि विकास से संबंधित योजनाएं तीनों स्तर पर आपकी बहुत एक सुव्यवस्थित तरीके से चल सके, ठीक है। इसीलिए राज्य सरकारें 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन ये सभी हुए और उनके माध्यम से आपके ये तीन स्तर बनाए गए। तो उम्मीद है तीनों स्तर को आपने बहुत ढंग से समझा होगा, ठीक, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाऊं, ठीक है। और समझने के बाद वीडियोस को जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ देर बाद वापस लौटिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दे जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारे हौसला होते हैं, वही हमें मोटिवेट करते हैं। और दूसरी बात भैया, आपके साथ जो भी तैयारी वाले हैं उनको एक बार वीडियोस भेज दिया करिए, ठीक,
कि कम से कम इस चैनल से जुड़ो जहां आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो भी निःशुल्क। आपको कोई हम पैसा तो नहीं ले रहे, हाँ पैसा आपको तब देना है जब आपको मान लीजिए पीडीएफ खरीदनी है, क्योंकि पीडीएफ पर हमें भी पैसा खर्च करना होता है। इसलिए बाकी हमारी जो मेहनत है उसके लिए हम आपसे सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक और शेयर मांगते हैं। ठीक, सब्सक्राइब करो, जितने लोगों को हो सकता है जोड़ते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे, ऐसे ही क्लासेस निरंतर चलती रहेगी, आप सभी का ऐसे ही प्यार और सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।